हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई व्लॉग नई वीडियो में। और आज मैं 11 बजे से व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। मॉर्निंग के सारे काम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। और जैसे कि हम लोग कल मार्केट गए थे और मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं एक फैब्रिक लेके आई हूँ और आज उसी से मैं माता लक्ष्मी जी का लहंगा सिलने वाली हूँ। वो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे उनका लहंगा तैयार करती हूँ। और ना मैंने साथ में जैसे ये करवा था मेरे पास दो, एक पिछले साल का था एक इस साल का था, तो जो आगे का जो पानी चढ़ाने का होता है वो मैंने कट कर दिया और इस पे पेंट करके ना मैंने मिररिंग करके लुक दे दिया है। इसको मैं दिवाली में यूज करने वाली हूँ। यूज कैसे करूंगी, कहाँ पे करूंगी, अगर आप वीडियो पर कंटिन्यू रहेंगे तो आप देख ही लेंगे कि मैं इसको कैसे किस तरीके से यूज करूंगी। और यहाँ पे एक करवा ये है जिसमें मैंने इतने बड़े बड़े से मिरर लगा रखे हैं। इसकी डेकोरेशन कुछ ऐसी है, ये देखिए। और ये पिछली बार की दिवाली में मैंने जो थोड़े छोटे छोटे से घड़े लिए थे, मटके से लिए थे ना, उसमें भी मैंने पेंट कर दिया है और उस पर भी मैंने सुंदर सी मिररिंग कर ली है। और देखने में इतने प्यारे लग रहे हैं ना, इतने क्यूट क्यूट से लग रहे हैं। तो इनका भी यूज होगा अच्छी तरीके से दिवाली में। सेम इसको भी मैंने सेम पेंट कर लिया। और एक ये दिया था मेरे पास बड़ा वाला, उसको भी मैंने पेंट करके रख दिया। और ये ना मेरी बहुत पुरानी छलनी थी जो मैं करवा चौथ पे लेके आई थी, ये बहुत पुरानी हो चुकी थी, इसको भी मैंने धो धा के पेंट कर दिया है। और यहाँ पे वही पिस्ता के भारी कवर जो मैंने मिरर पे लगाए थे आप लोगों ने देखी वीडियो में, और कहीं कहीं पे मैंने ये ग्लास लगा दिया है। इसका भी मैं अच्छी तरीके से यूज करने वाली हूँ और यूज कैसे करूंगी वो आप लोग देख ही लेंगे वीडियो में, ये देखिए। तो इतनी सारी चीजें जो मैंने बनाई, दिवाली का सीजन आ रहा है तो भाई हम चुपचाप कैसे बैठ सकते हैं, मन में खुरापाती लगातार चलते रह रही है और मैं चीजों को क्रिएट करते रह रही हूँ कि कैसे एक सुंदर सा लुक क्रिएट किया जाए दिवाली में। जरूरी नहीं है कि हम मार्केट से सारी चीजें खरीद के लाए, हमारे पास जो घर में चीजें होती है ना उसको ही हम रीयूज कर सकते हैं, एक नया लुक दे सकते हैं। और साथ ही मैंने मशीन निकाली है, आज मैं माता रानी का लहंगा बनाऊंगी, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। वीडियो में जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया था कि मैं एक मीटर फैब्रिक लेके आई हूँ और वो फैब्रिक मैंने अभी कट कर दिया मेजरमेंट करके, और इसकी लेंथ मैंने 20 इंच करीब रखी है। 20 इंच करीब मैंने इसका कट पीस निकाल के रख दिया है और बाकी का बचा हुआ फैब्रिक मैं किसी और यूज में लाऊंगी, इसमें अस्तर की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा मुझे लग रहा है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले ना मुझे इसमें लेस जोड़नी होगी, जो मुझे लगानी है लेस। ये पतला वाला लेस लगा रही सबसे पहले, और उसके लिए मुझे ना कपड़ा थोड़ा सा फोल्ड करना पड़ेगा, उसके ऊपर से मुझे लेस सिलनी पड़ेगी। ठीक, इसको कर लेते हैं। जो मैं ये वाली लेस लेके आई हूँ ना, ये मेरी थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, पर कोई बात नहीं, इसको मैं सेंटर में ही इसका फोकस करूंगी, क्योंकि जो साइड वाली होते हैं वो तो प्लेटों में दब जाएंगे, वो बैक साइड में चले जाएंगे, जो फ्रंट की डिजाइन है वो अच्छी आ जाएगी, इसलिए मुझे इसको फ्रंट पे ही ज्यादा फोकस करना है। इस तरीके से इसको यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। ये माता रानी के लहंगे का बेस तैयार हो गया है, इसमें मैंने लेस लगा दी है।
अब ना मैं इसमें फटाफट से चूनट बना लेती हूँ। ये कॉर्नर से मेरा थोड़ा सा कम पड़ गया था, इसको मैंने छोड़ दिया है। इसमें ना एक ऐसे प्लेट आ जाएगी तो वो ढक जाएगा, वो बैक साइड में चले जाएगा, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने लहंगे की ना सारी चुनटे बना ली हैं, जितनी इसकी बनती है ये इस तरीके से आएगी। ऐसा कुछ लहंगा बनके तैयार होगा। और यहाँ पे ना मैंने सुई लगा रखी है, अभी मैं इसमें सिलाई मारती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी देखिए मेरा लहंगा बनके तैयार हो गया है, और ना मैंने इसमें सिलाई भी लगा दी है, सिलाई लगा दी है। अब इसमें ना इसका नेफा जोड़ लेती हूँ, यानी कि उसमें हम लोग नाड़ा वाड़ा डालेंगे, बांधने के लिए सही रहेगा, तो उसका नेफा तैयार कर लेती हूँ पहले। तैयार करने के बाद ना मैंने इसमें नाड़ा डाल दिया है और येलो कलर की पोमपोम से इसको सजा दिया है। ये कुछ इस तरीके का लुक देने वाला है माता रानी के लहंगे को। और ना इसके साथ में ये वाला पिछौड़ा डालूंगी, पहनाऊंगी उनको। इसमें भी चौड़ी बॉर्डर है और इसका भी जो बॉर्डर है ना बहुत चौड़ा है, तो लगभग मैच करेगा इसमें। इस तरीके का जो लुक है वो क्रिएट होने वाला है। और कैसा लगा आप लोगों को ये माता रानी का लहंगा? आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा, मुझे ना ये बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। वैसे तो मार्केट में कई तरीके के लहंगे आते हैं, बहुत सारा श्रृंगार आता है माता रानी के लिए, पर ये है ना कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और उसका जो डिज़ाइन होता है ना वो हमारी पसंद का होता भी नहीं है, मजबूरन हमें लेना पड़ता है। तो इसी तरीके से हम ना अपनी पसंद की फैब्रिक लेके, अपनी पसंद की लेस लेके सुंदर सा डिजाइनर लहंगा तैयार कर सकते हैं। तो मैंने भी यही सोचा कि मैं आर्टिफिशियल ना लेके ना खुद अपने हाथों से तैयार करूँगी जो भी चीज़ें हों ना, क्योंकि हमारे पास टाइम तो होता ही है, घर में टाइम का सदुपयोग भी हो जाता है, कुछ सीखने को भी मिलता है। जैसे जो चीज़ें हम लोग मार्केट से लेके आते हैं, इन्हें मार्केट से उठा के लाते हैं और घर पे रख देते हैं, सजा देते हैं, तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती उस चीज़ को लेके, जितना कि हम लोग खुद अपने हाथ से उस चीज़ को क्रिएट करके देखते हैं कि बार बार देखने को मन करता है। और ना उसे जो लोग भी देखते हैं ना वो भी अट्रैक्ट होते हैं, अच्छा लगता है। अभी ना मुझे और भी तैयारी आगे को करनी है। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो? अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं सरिता मिलती हूँ आपको ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।